आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस m by 3 plus n by 4 equal to 12 एंड m by 2 minus n by 3 equal to 1 is। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4m plus 3n is equal to 4, 3 जा 12 into 12 is 144। एंड ये हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m minus 2n is equal to 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर सकता हूँ। ठीक है, किसी एक m या n की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूँ या किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर दूँ, ताकि जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड या सबट्रैक्ट करें, वो हमारा जो टर्म है कंटेनिंग दैट कोफिशिएंट के साथ हमारे पास कोई m या n में से कोई भी कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये यहाँ पे 6n बन जाए, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि यहाँ पे माइनस 6n बन जाए। दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो मेरा 0 हो जाए। तो हो गया 8m प्लस 6n इज इक्वल टू 288, और ये है 9m माइनस 6n इज इक्वल टू 6 3 18। ठीक है, तो मेरा कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 17m is equal to 288 plus 18. अब 288 plus 10 ये हुआ 298 plus 8 is 306. ठीक है, तो यहाँ से मेरा m क्या आ गया, 306 by 17. अब 306 by 17 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज 18. ठीक है, तो m की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ मैं किसी भी इक्वेशन पे पुट करके n की निकाल सकता हूँ। ठीक है, m by 2 that is 18 by 2 ये हो गया 9 minus n by 3 equal to 1. ठीक है, फर्दर अब इसकी साइड चेंज की तो ये हुआ 8 इज 9 माइनस 1 इज 8 इक्वल टू n बाई 3, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो n क्या आ गया, 8 इंटू 3 दैट इज 24. ठीक है, तो n आ गया, m आ गया, देयरफॉर हमें सॉल्यूशन चाहिए थे, देयरफॉर हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, m इक्वल टू 18 एंड n इक्वल टू 24. ये आ जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।